हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम्स यू टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका बीआरसी ओसीएस 2023 एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आप कैसे लास्ट के 7 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि तुम्हारा कोई डाउट रह ना जाए इससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट कि क्या 9 के 9 सब्जेक्ट करने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 9 के 9 सब्जेक्ट तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर ऐसा है कि तुमने 7 सब्जेक्ट कर रखे हैं, 2 सब्जेक्ट तुम्हारे पेंडिंग है, तो क्या करो उन 2 सब्जेक्ट के लिए तुम अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें। ठीक है, प्लस गेट पीवाईक्यू देख लें, उसके बाद भी टाइम बचता है। गेट पीवाईक्यू कौन से, इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। ठीक है, इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही तुमको क्या करने हैं, गेट पीवाई क्यू रिवाइज करने हैं। उसके बाद टाइम बचे तो नेट पीवाईक्यू भी रिवाइज करो। किसके, ओनली इन 2 सब्जेक्ट के, बाकी किसी के नहीं, इन 2 सब्जेक्ट के, नेट पीवाईक्यू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाइज ही रिवाइज करने हैं। ये दोनों तुम्हें क्या करने हैं, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करने हैं अगर तुम इन 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। बाकी तुम्हें क्या करना है, इन 9 के 9 सब्जेक्ट की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, जिसने 9 के 9 सब्जेक्ट कर रखे हैं, प्लस गेट पीवाई क्यू रिवाइज करो, और जो तुमने टेस्ट सीरीज परचेज की है वो टेस्ट सीरीज रिवाइज करो। ठीक है, और अभी तुम्हारे पास 6 to 7 डेज बाकी है। ठीक है, तुम इनके अंदर टेस्ट भी दे सकते हो। अब बात करी जाए कि गेट के पीवाई क्यू रिवाइज करने हैं क्या नेट के पीवाई क्यू रिवाइज नहीं करने। ठीक है, तो इसका ऑर्डर तुम्हें यही फॉलो करना है। ठीक है, पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, गेट पीवाई क्यू रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज रिवाइज करो, स्टिल यू हैव टाइम, गो फॉर नेट पीवाईक्यू। इसके बाद बात करी जाए हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू रिवाइज नोट्स, कि अभी नोट्स रिवाइज कैसे करें। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर की बात करें तो देखो तुम्हारे पास वहां पे क्या होगा कि 2 आवर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए +3 मार्क्स, राइट होने पे, रॉन्ग होने पे -1 मार्क्स। तो तुम्हें क्या करना है, राउंड सिस्टम में एक पेपर देना है, राउंड सिस्टम। टेस्ट भी दिए होंगे, वो भी तुमने राउंड सिस्टम ही दिए होंगे, उम्मीद है तुमसे। टेस्ट हमेशा उसी तरीके से अटेम्प्ट करो जिस तरीके से तुम वहां फाइनल पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। और तुम्हारे पेपर की टाइमिंग क्या रहने वाली है, 3 PM to 5 PM। तो तुम क्या करो, 3 से 5 PM इस टाइम के अंदर ही अपने टेस्ट वगैरह दिया करो। ठीक है, प्रैक्टिस इसी टाइम के अंदर किया करो, मतलब 3 से 5 के बीच में खुद को अवेक रखो। ठीक है, राउंड सिस्टम फॉलो करोगे, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा। राउंड 1 में तुमने क्या करना है, सिर्फ इजी क्वेश्चन करने हैं। इजी क्वेश्चन कैसे मतलब, और इसके अंदर जो तुम स्किप कर दोगे या जो मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे वो तुम्हें इसके अंदर करने हैं। ठीक है, या मैं इसके अंदर बोलूं मॉडरेट। टफ क्वेश्चन तो तुम्हें टच ही नहीं करना है। ठीक है, कट ऑफ की बात की जाए तो लास्ट ईयर तुम्हारी कट ऑफ रही थी अप्रोक्सीमेट 150, उससे लास्ट ईयर रही थी अप्रोक्सीमेट 120 भी नहीं थी, 115 थी, ऐसा कुछ था। इसके अंदर थी 152, ऐसा कुछ तुम्हारे मार्क्स रहे थे। ठीक है, अब अगर बात की जाए व्हाट इज राउंड सिस्टम, कैसे तुमने राउंड सिस्टम पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो पेपर स्टार्ट होते ही सोचो मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी याद नहीं है, स्टिल आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, फिर भी मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम कभी भी तुम्हारे जो चीजें तुम्हें याद है उससे नहीं होता है, एग्जाम क्वालिफाई होता है तुम्हारी लर्निंग से, कि तुम कितना प्रैक्टिस करके आए हो, कितना सीख के आए हो, और सीखा हुआ याद नहीं रखना होता। ठीक है, वो तुम्हें तुम्हारी हैबिट में होता है। ठीक है, तो जैसे देखो इसके अंदर, सपोज दैट तुमने पेपर स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन तुमने देखा बहुत टफ है, कभी नहीं देखा, ठीक है, स्किप। सेकेंड क्वेश्चन तुमने देखा टफ है और कैलकुलेटिव है, स्किप। थर्ड क्वेश्चन देखा इजी है पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, स्किप। फोर्थ क्वेश्चन देखा इजी है, थोड़ा सा टाइम टेकेंगे, इसको अभी नहीं कर सकता, बाद में कर दो। ठीक है, मतलब विद इन सेकंड जो है, तो इस पे क्या कर दो, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखा इजी है, हो गया, और 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, ये होगा ये होगा, इसको बाद में देखना चाहते हो, अभी टाइम नहीं है, तो क्या करोगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। और कोई इशू नहीं है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन स्किप करोगे फर्स्ट राउंड के अंदर उतना ही अच्छा तुम्हारा पेपर होगा। 6th क्वेश्चन आया, बहुत इजी था, थ्योरी का था, कर दिया। ठीक है, डन।
सेव कर दो वहीं पे, कोई मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। सेवंथ देखा बहुत ही इजी था, उसको भी कर दिया। ऐसे करते करते तुम्हें अप्रोक्स 1 आवर 15 मिनट के अंदर क्या करने हैं, 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देने हैं। मतलब एक राउंड 100 क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। जब कंप्लीट करोगे तो तुम अप्रोक्सीमेट 40 to 50 क्वेश्चन कर चुके होगे, ठीक है। 40 to 50 क्वेश्चन करने के बाद अब तुम क्या करोगे, उन क्वेश्चन पे नहीं जाओ जो तुमने कर लिए हैं, अब तुम उन क्वेश्चन पे जाओ जो तुमने या तो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं या फिर सेव और मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं। पहले जाओ मार्क फॉर रिव्यू वाले पे, ठीक है। अब तुम मार्क फॉर रिव्यू वाले पे जाओगे और जहां तुम्हें डाउट लग रहा था वहां पे चेक करोगे, इस क्वेश्चन को टिक करके आ जाओगे। मतलब अगर लग रहा है सही हो रहा है तो वहां टिक कर दोगे, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, तुम्हें लगता है या तो ये ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी डी का नहीं पता, तुम दो ऑप्शन में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें वो क्वेश्चन करना ही करना है, वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा। पर रिस्क तभी लेना जब तुम्हें सी और डी दोनों ना लगे, मतलब तुम दो ऑप्शन में पहुंच जाओ, कहीं तुम्हें चार ऑप्शन में डाउट हो, यार ये भी हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिर तुम्हें क्या करना है, वो क्वेश्चन स्किप कर देना है, ठीक है। जहां तुम दो ऑप्शन में पहुंचो तुम क्वेश्चन कर सकते हो। पहले राउंड में ओनली इजी क्वेश्चन करने हैं, सेकंड राउंड में मार्क फॉर रिव्यू वाले और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन करने हैं। 1 आवर 15 मिनट के अंदर पहला राउंड कंप्लीट कर लेना है। पहले राउंड में सिर्फ इजी क्वेश्चन करने हैं जो देखते ही हो रहे हैं या विद इन सेकंड्स हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन पे फालतू टाइम लगाया, 10 मिनट लगाई, 15 मिनट लगाई और वो क्वेश्चन बना नहीं, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग वैसे खराब हो जाएगा पेपर को देख के, ठीक है। और ध्यान रखना कैलकुलेटर अवेलेबल होता है तुम्हारे पास, वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, बट तुमने उसका ज्यादा यूज नहीं करना, जिनमें यूज आ रहा है उसको सेकंड राउंड में यूज करना है, ठीक है। पहले राउंड के अंदर जो जितने क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो सकते हैं करने हैं, ठीक है। और अब बात रहे रिवीजन की, कि हाउ टू रिवाइज, ठीक है। अब जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो ऐसे ही रिवाइज करो जैसे तुम 12 का पेपर दे रहे हो, मतलब बहुत फास्ट फास्ट चीजें रिवाइज करो, पेन का यूज कम करो, ऐसे ट्राई करो इसको कितना फास्ट मैं रिवाइज कर सकता हूं उसको उतना ही फास्ट तुम रिवाइज करने की ट्राई करो, ठीक है। रिवाइज फास्टली। और दूसरी बात की जाए, जब तुम गैट के पीवाई को देख रहे हो पूरे का पूरा फुल लेंथ उठा के, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर उठा के उसके पीवाई को देख रहे हो, तो उसको भी राउंड सिस्टम में देखो। राउंड सिस्टम में देखने का मतलब क्या है, राउंड वन के अंदर सिर्फ इजी क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड हो रहा है, फोर्थ हो रहा है, फिफ्थ हो रहा है, सिक्स नहीं हो रहा, सेवंथ नहीं हो रहा, तो ऐसे फर्स्ट फर्स्ट देखो। फर्स्ट राउंड के अंदर तुम लगाओ 1 आवर, ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर फिर लगाओ तुम 1 आवर, सेकंड राउंड के अंदर मॉडरेट क्वेश्चन देखो, ठीक है। और बहुत ज्यादा ही तुम्हारे पास क्या आ जाए, टफ क्वेश्चन आ जाए गैट के पेपर में या टेस्ट सीरीज के अंदर, उस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप करो, ठीक है। तुम्हें उस पर बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना टफ क्वेश्चन में से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एग्जाम में आ जाएगा, नहीं सोचने की जरूरत, ठीक है। और रही बात व्हाट इज सेफ स्कोर, कि एग्जाम के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, एग्जाम के लिए अगर इजी आता है तो 150 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कट ऑफ जाएगी, थोड़ा सा भी मॉडरेट आया तो 120 कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और बाकी ये डिपेंड करता है, ये मैं बता रहा हूँ लास्ट के 2 ईयर से, ये था तुम्हारा पेपर मॉडरेट, ये था तुम्हारा पेपर इजी, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है पेपर के ऊपर, तो तुम्हें इसको लेके ज्यादा सोचना नहीं है, अपना बैच देके आना है। और कितना अटेम्प्ट सेफ होगा, कि कितने क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए, देखो ये डिपेंड करता है नेचर पे, तुमने इतने टेस्ट दिए हैं, ठीक है, इतने टेस्ट दिए, इतने एग्जाम दिए, कुछ क्वालिफाई भी किए हैं, तो उस बेसिस पे तुम्हें तुम्हारा नेचर पता है, ठीक है। एक बच्चा 80 अटेम्प्ट करेगा तब जाके उसके 55 सही बचेंगे, ठीक है, राइट राइट बचेंगे। एक बच्चा 60 अटेम्प्ट करेगा तब जाके उसके 50 सही बचेंगे, ठीक है। तुम्हारा नेचर इनमें से कौन सा है, ठीक है, कि तुम्हारी टेक्निक क्या है, ज्यादा अटेम्प्ट करके तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं या फिर सही अटेम्प्ट करके तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल रिस्क, जैसे हवा में रिस्क ले रहे हो कि कुछ ही नहीं पता, चार ऑप्शन में से कुछ भी तुम लगा रहे हो, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट के अंदर तुमसे ये होगा कि तुम अपने आप टिक लगा रहे हो, जो भी मन कर रहा है तुम्हारा, मतलब रैंडमली टिक लगा रहे हो, तुक्के लगा रहे हो, वो नहीं करना है। लास्ट की 15 मिनट में थोड़े से शांत हो जाए, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ेगी, मानते हैं तुमने जब मेहनत करी होती है, सामने एग्जाम होता है तो ऐसा होता है, पर चीजें कंट्रोल में रखे, जहां भी लगे संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पिए और दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम देने, बस इतनी सी बातें, इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। और एग्जाम तुम्हारा 3 PM to 5 PM है, ठीक है, तो सुबह सुबह तुम उस दिन 8 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, सुबह सुबह शॉर्ट नोट रिवाइज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, पर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोपहर में तुम्हारा एग्जाम है तो सुबह ट्राई करना अच्छी नींद ले लो, अपनी पूरी नींद ले लो, ताकि 3 से 5 बजे तक तुम्हें कोई नींद नहीं आ रही हो, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, काफी बच्चों का ये डाउट है। देखो टेस्ट सीरीज
जो तुम्हारी बनाई गई है, ठीक है, फिजिक्स सर का ऐप पे जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, उसका जो लेवल है तुम्हारा वो बीआरसी से थोड़ा सा अप ही रखा है, ठीक है, बीआरसी से थोड़ा सा अप ही रखा है। तो इसके अंदर अगर तुम 40% या 45% भी स्कोर कर रहे हो तो अच्छी बात है कि तुम आराम से क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम, ठीक है। और बात करी जाए तो इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब बस यही है, रिवाइज करो। और रिवीजन है ना, अभी जो रिवीजन तुम्हारा होना चाहिए, पेपर का जो रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन का जो रिवीजन कर रहे हो, तो फुल लेंथ से करो। फुल लेंथ इन द सेंस गैट का पूरा पेपर उठाओ या फुल लेंथ टेस्ट पूरा पूरा उठाओ, उससे रिवाइज करो इंस्टेड ऑफ प्रत्येक सब्जेक्ट रिवाइज करना, ठीक है। मतलब ऐसे कर सकते हो तुम, 7 डेज है तुम्हारे पास, तो एक दिन के अंदर दो दो सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट देख लिए, दो सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट देख दो, 2 से 3 गैट के पेपर देख लो, ठीक है। एक तुम्हारा फुल लेंथ पहले अटेम्प्ट किया हुआ होगा, उसको रिवाइज कर दो। ऐसे करके चलोगे तो 7 से 8 दिन के अंदर जब भी तुम्हारा एग्जाम होने वाला है उससे पहले तो तुम सब खत्म कर लोगे, ठीक है। बस और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसको। इस लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ, इसमें क्या क्या बताया है मैंने और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात रिवाइज। रिवाइज में क्या क्या, शॉर्ट नोट्स, गैट पीवाईक्यू, प्लस जो टेस्ट दे रखी है वो वाली, ठीक है। रिमेंबर इन माइंड राउंड सिस्टम, ठीक है। और जल्दबाजी, थोड़ी जल्दबाजी, इस पेपर में थोड़ी सी जल्दबाजी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से नहीं चल सकते, और तुक्के तो लगाने ही नहीं है, ठीक है। टफ क्वेश्चन मिल गया, छोड़ना सीखो, बिकॉज तुम्हारे इसके अंदर +3 मार्क्स हैं सही क्वेश्चन के लिए और -1 मार्क्स है गलत क्वेश्चन के लिए, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर सारे पॉइंट तुम्हारे कवर हो गए हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। हम ट्राई करेंगे उसका भी तुम्हें रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बाय।